सुन ले ओ छपरी ट्रेनर, मेरे को मिल गया ना तेरी भैंस, क्या कर देनी है मैंने। तो गाइस आप लोग को नहीं पता मेरे साथ क्या हो चुका है, मेरे को एक बंदे ने मतलब एक ट्रेनर ने मुझे, तू हट लेगा भाई, तू हट ले भाई, तू कहाँ गया भाई, मैं मार भी नहीं सकता हूँ इसे यार, क्या बताऊँ। हाँ तो मैं कहाँ था, मैं बोल रहा था मुझे एक ट्रेनर ने चैलेंज किया है कि भाई मतलब पूरा का पूरा धमकी दे रहा है भाई कि बोलता है यार तू मुझसे पॉकीमोन बैटल पे मिल जा एंड मैं आज उससे बैटल करने वाला हूँ। और आप लोग क्या सोच रहे हो कि बैटल नहीं कर सकता हूँ भाई, बैटल तो यूँ चुटकी बजा के कर सकता हूँ, बस मुझे उसके लिए एक मोड अप्लाई करना पड़ेगा जो कि मैं आगे आप लोग को बताता हूँ, अभी जान के इतना जल्दी जानने का क्या जरूरी है। गाइस जल्दी से आपने सब्सक्राइब करना है अगर वो वाली मोड चाहिए, और इसमें आप लोग पूरा का पूरा फाइट करने वाले हो, इसमें आपके पॉकीमोन अपनी एबिलिटी यूज करेंगे एंड दूसरे पॉकीमोन भी अपनी एबिलिटी यूज करेंगे, तो पूरा का पूरा रियल बैटल होने वाला है एंड इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो प्लीज, एंड लाइक तो करना ही करना, ठीक है ना, तो दोनों चीज कर लो एंड सबसे पहले मैं इंट्रो झेल लूं, उसके बाद तो मौज ही यार। आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज मैं आप लोग को एक ऐसी मोड देने वाला हूँ जिसमें आप लोग पॉकीमोन के साथ बैटल कर सकते हो, और ये वाला मोड आप लोग जानते भी होंगे और आप लोग को बहुत मजा आने वाला है इस मोड को खेलने के बाद। और मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसमें मोड को अप्लाई कर सकते हो, मतलब मोड को अप्लाई तो करना आप लोग को पता ही होगा, बट मैं उसके साथ आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इससे फाइट कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा ही आप लोग को रियल लगेगा। और ये 3D पिक्सल मोड का बोर्ड भी कह सकते हो उसे, क्योंकि यार इसमें पूरा का पूरा चीज़ आप लोग को 3D मिलने वाला है। तो गाइस हम लोग टाइम को इतना वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक वर्ल्ड को, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मैंने वर्ल्ड तो क्रिएट कर दिया है, बट यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यार वो नहीं किया तो आपने मतलब आप लोग का काम नहीं करने वाला। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले जो है पूरा का पूरा ऑन कर देना है यहाँ पे आप लोग को, एंड इसको ऑन करने के बाद ही ये पूरा का पूरा अच्छे से काम करने वाला है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप लोग को रिसोर्स पैक में ये वाली फाइल एंड बिहेवियर पैक में ये वाली फाइल, एंड अगर आप लोग लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो यहाँ सेटिंग के बटन में आप लोग जाके यहाँ पे सेटिंग को चेंज कर सकते हो। तो हम लोग तो इंग्लिश रहने वाले हैं क्योंकि यार इंग्लिश ही हमें समझ आता है, आप लोग को भी समझ शायद से आता होगा। तो यार यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले सुपरमैन वाला जंप मारते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग आगे चलते हैं एंड आगे चलने के बाद देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पॉकीमोन हम लोग को देखने को मिलेंगे। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो गोल्डी एंड यहाँ पे मैजिक कार्ड, बहुत सारे गोल्डीन, ओके गोल्डीन एंड यहाँ पे बहुत सारे मैजिक कार्ड भी हैं। और ये सारे पॉकीमोन बहुत बेकार से पॉकीमोन है, इनसे मुझे नहीं मिलना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जो नौटंकी है उसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एप्रिकन भी डाल रखा है इन लोगों ने, और ये एप्रिकन हवे में कैसे है भाई। एंड गाइस जिसकी बात कर रहा था मैं वो ये बंदा है, और आगे पता चल जाएगा आप लोग को कि ये कौन सा बंदा है। बट उससे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोफेसर ओक कराने के बाद यहाँ पे सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उनसे सबसे पहले तो अपना फर्स्ट अप पॉकीमोन ले लेते हैं। एंड आप लोग को सबसे पहले एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ आप लोग को क्या करना पड़ेगा। एंड यहाँ से मैं सबसे पहले तो दूर चलता हूँ एंड यहाँ पे मैंने देख सकते हो जैसे कि इन्वेंटरी खोल डाला है, एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे नए नए पॉकीमोन भी देखने को मिलेंगे। और इस मोड में बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई है जो कि आप लोग को पता करना पड़ेगा, आप लोग खुद से पता कर लेना, बट मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ। इसमें बैटल कर सकते हो आप लोग एंड इसमें बहुत सारे पॉकीमोन ऐड भी हुए हैं एंड थोड़े से बग फिक्स हुए हैं एंड कुछ नए नए मतलब NPCs आए हैं जो कि मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि NPCs होते क्या हैं, एंड उनसे ही आप लोग फाइट करने वाले हैं। बट कैसे करने वाले हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो फाइट करने का दो वे होता है, एक वे आप लोग को मैं बता देता हूँ जो कि आप लोग VS Seeker की मदद से कर सकते हो, जो कि ये वाला चीज़ है, बट इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग को बैटल करना है वो भी एक ट्रेनर से, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये वाली चीज़ चाहिए जो कि है बैटल परमिशन, और इसकी मदद से हम लोग ही सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट उससे पहले मुझे अपना पॉकीमोन को तगड़ा करना पड़ेगा, और उसे तगड़ा करने से पहले मुझे यहाँ पे रेयर स्टोन कहा गया भाई, तो उसे ताकतवर बनाने के लिए मुझे रेयर कैंडी जरूरी पड़ेगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने बालबासोर को ले आता हूँ एंड उसके बाद इसे टेम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसे मैं खिलाना चालू करता हूँ, और इसको मैं बना देता हूँ बहुत ज़्यादा ही पावरफुल। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये इवॉल्व करना स्टार्ट हो चुका है एंड इसके बाद ये बनने वाला एविसुर जो कि बहुत ज़्यादा ही मस्त लगता है, और उसके बाद मैं वेनोसोर बना देने वाला हूँ। और उसके बाद तो भाई मैं आगे आप लोग को बताता हूँ, यहाँ जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि लेवल अप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेवल अप करने के बाद यहाँ पे फिर से ये स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे आप वेनोसोर बनेगा सीधे से आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, और यहाँ पे एवोल्यूशन का भी मस्त लगता है देखने में और बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है ये।
और ये वेनोसॉर थोड़ा बदसूरत है बट अच्छा ही है। तो गाइस जैसा कि मैं बोल रहा था एनपीसीज तो वो क्या होते हैं यार, जैसे कि प्रोफेसर ओक हो गया, नर्स जॉय हो गई, तो उसी को मतलब एनपीसीज बोलते हैं, ठीक है ना। बट उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या लेना होगा वो मैं बताता हूँ। एक ट्रेनर आता है, वो कहाँ चले गया भाई। तो गाइस आप लोग को बेटर करने के लिए सबसे पहले तो ये चीज चाहिए, ट्रेनर्स फ्रॉम जेन 1 मतलब कि जनरेशन 1। एंड उसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको स्टैंड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सही से मतलब कहीं भी क्लिक करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो मैंने आगे आप लोग को बताया था कि इसकी क्या काम होने वाली है। तो इसको हम लोग सबसे पहले इससे टॉल करते हैं इसकी मदद से, जो कि ये बोल रहा है कि मैं अभी फाइट नहीं करना चाहता हूँ बट मुझे तो फाइट करना ही करना है। और यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो इसने अपना पोकेमॉन ले आया एंड हमारा भी पोकेमॉन थोड़ी ही देर में आएगा। एंड उसके बाद तो भाई फाइट करने में जो मजा आने वाला है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल ही होने वाला है। तो गाइस पहली बारी में ये काम नहीं किया पता नहीं क्यों, बट अब हम लोग नेक्स्ट बारी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे रैंडमली कोई भी आ सकता है बट हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, परमिशन ले लेना है सबसे पहले। एंड ये मतलब फाइट करना चाहता है या फिर नहीं, तो ये शायद से नहीं करना चाहता, तो ये हमें सिंपल से जो है बैज दे देगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो इसने बैज हमें दे दिया क्योंकि ये फाइट नहीं करना चाहता है। बट हम लोग क्या है भाई, नहीं हम लोग फिर से ट्राई करने वाले हैं क्योंकि यार हमें पहली बारी में मना नहीं कर सकता है कोई भी। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो इससे भी मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल एंड ये थोड़ी देर में पता नहीं क्या बोलता है या फिर करना चाहता है या फिर फाइट। ओके ये भी फाइट करना नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों कोई फाइट करना नहीं चाह रहा है भाई, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है। बट हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार ये ट्राई करते हैं कोई और आता है या फिर नहीं। एंड यहाँ पे इससे भी हम लोग टॉक करते हैं एंड उसके बाद ये तो फाइट करना चाहता है भाई, ये पूरे के पूरे मूड में बैठा पड़ा है कि ये मुझसे फाइट करेगा। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपनी पोकेमॉन को ले आते हैं एंड थोड़ी ही देर में ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। एंड गाइस जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे फाइट तो स्टार्ट हो चुकी है एंड भाई साहब चारिज़ार्ड हमें हमारे पोकेमॉन को उड़ उड़ के मार रहा है। बट यहाँ पे हमारा पोकेमॉन भी कम नहीं है, ये भाई साहब देख पा रहे हो कितने जोरों शोरों से ये अपने, भाई साहब हमारा पोकेमॉन जीत चुका है। हमारे पोकेमॉन ने देखा आपने एबिलिटी यूज किया जो कि बहुत ज्यादा ही मस्त लगा मुझे। एंड इसे सबसे पहले हम लोग ले आते हैं एंड थोड़ी देर में ये हील हो जाएगा। अगर आप लोग का विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं एक बार फिर से एक बार आप लोग को फाइट करके दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग को पता नहीं क्या, नहीं यार मुझे नहीं पता बट ये फिर से फाइट नहीं करना चाहता है। एंड यहाँ पे हम लोग सिंपल से इससे बैज ले लेते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उस बच्चे से मुझे फाइट करना है जो अभी आया था। तो ये बच्चा भाई साहब ये कोई और बच्चा आ चुका है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। एंड इससे भी हम लोग टॉक करते हैं, देखते हैं ये फाइट करने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। तो इसने स्क्वायरल छोड़ा है एंड यहाँ पे मैं वेनोसॉर छोड़ता हूँ एंड वेनोसॉर छोड़ने के बाद इसे मैं सबसे पहले टेम कर लेता हूँ। एंड गाइस थोड़ी ही देर में जैसा कि देख पा रहे हो फाइट स्टार्ट हो चुके हैं एंड वो दोनों अपने अपने एबिलिटी स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा पोकेमॉन फिर से जीत चुका है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हमारा पोकेमॉन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। एंड इसके हम लोग एक बार डिटेल्स देखते हैं, भाई साहब वेनोसॉर 3 नंबर का पोकेमॉन वो भी पॉकेटएक्स में, तो ये बहुत ज़्यादा ही मस्त लगा मुझे। तो गाइस चलो मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग ने कैसे मतलब आप लोग को सारी की सारी चीज़ें करनी है एंड ये फाइट करना भी आप लोग को मैंने बता दिया। एंड यहाँ पे बच्चा तू बच्चे हट जा भाई, तू फाइट कर नहीं सकता है भाई, तेरा तो 10 साल भी नहीं हुआ है भाई, जाके पहले पढ़ाई लिखाई करो भाई। अब ये बच्चा मुझे दोबारा कॉल करके नहीं बोलेगा कि फाइट करने आओ या फिर नहीं, तो इसकी मैंने भैंस की आंखें कर दी आपने जैसा कि देख लिया। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग भी ऐसे ही फाइट कर सको तो आपने जल्दी से इस मोड को डाउनलोड करना है, अप्लाई का मैंने सब कुछ बता दिया आप लोग को शुरू से। एंड आप लोग ने सारी की सारी चीजें सेम ही करनी है एंड उसके बाद आप लोग फाइट कर सकते हो। एंड आपने जैसा कि देखा कि इसमें आप लोग को एबिलिटीज मिलती है एंड बहुत सारी चीजें मिलती है जो कि बहुत ज्यादा ही मस्त लगा। और अगर आप लोग को इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सी चीज़ आप लोग को अच्छी नहीं लगी कमेंट बॉक्स में जल्दी जाके बताओ एंड लाइक तो करना ही करना, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।